हेलो दोस्तों, मैं सम्राट सर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिहार में कुल कितने नियोजित शिक्षक हैं। अगर नियोजित शिक्षक को समान काम के लिए समान वेतन मिले तो उसका वेतन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो आइए हम विस्तार से जानते हैं इस न्यूज़ को। और न्यूज़ जो है इस प्रकार है, सालाना 11,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जबकि शिक्षा बजट ही 20,000 करोड़। समान काम के लिए समान वेतन देने के फैसले के आधार पर नियोजित शिक्षकों का वेतन 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। एक शिक्षक का औसत वेतन प्रति माह 38 से 40 हज़ार रुपया हो जाएगा और नियोजित शिक्षकों के वेतन पर अभी राज्य सरकार को सालाना 10,000 करोड़ खर्च करना पड़ता है। कोर्ट के आदेश का पालन करने पर 21,000 करोड़ खर्च करने होंगे, यानी सालाना 11,000 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा, जबकि राज्य का कुल शिक्षा बजट ही करीब 20,000 करोड़ का है। तो राज्य का जो है कुल शिक्षा बजट 20,000 करोड़ का ही है और सालाना 11,000 अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लिया जाए तो 11,000 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अब देखिए, 2.5 गुना तक बढ़ जाएगा वेतन। और यहाँ पर जो अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षक को वेतन मिल रहा है, यहाँ पर उनकी पूरी डिटेल है। बेसिक ग्रेड और प्रशिक्षित शिक्षक को जो है अभी 12,000 से 13,118 रुपया के बीच में मिल रहा है। फैसले को लागू होने पर 24,000 से 27,000 रुपया हो जाएगा वेतन। बेसिक ग्रेड प्रशिक्षित 17,000 से 18,118 रुपया अभी वर्तमान समय में मिल रहा है, इसी बीच में 17,000 से 18,118 रुपये के बीच में मिल रहा है। फैसला लागू होने पर 35 से 38 हज़ार हो जाएगा। स्नातक ग्रेड और प्रशिक्षित 13,000 से 14,000 जो है 13 से 14 हज़ार के बीच में मिल रहा है और फैसला लागू होने के पश्चात 27,000 से 30,000 के बीच में उसका वेतन हो जाएगा। स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित 18,000 से 19,000 के बीच में मिल रहा है और फैसला लागू होने के बाद 37,000 से 40,000 हो जाएगा। माध्यमिक और प्रशिक्षित 13,000 से 14,000 अभी मिल रहा है वर्तमान समय में और फैसला लागू हो जाने के पश्चात 27,000 से 30,000 हो जाएगा। और माध्यमिक प्रशिक्षित 18,000 से 19,000 अभी मिल रहा है वर्तमान समय में और फैसला लागू हो जाने के पश्चात 30,000 से 40,000 के बीच में उसका वेतन हो जाएगा। उच्चतर माध्यमिक और प्रशिक्षित शिक्षक को अभी 14 से 15 हज़ार के बीच में मासिक वेतन मिल रहा है और फैसला लागू होने के बाद 30 से 32 हज़ार हो जाएगा उसका वेतन। उच्चतर माध्यमिक प्रशिक्षित 20,000 से 22,000 के बीच में अभी वेतन मिल रहा है और फैसला लागू होने के पश्चात 42 से 46 हज़ार के बीच में उसका वेतन हो जाएगा। और देख लीजिए कि 3,51,000 कुल नियोजित राज्य में शिक्षक हैं और जिनमें से 3,11,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूल में है और 40,000 हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में नियोजित शिक्षक हैं। इस प्रकार से आपने जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर लागू हो जाए, समान काम के लिए समान वेतन लागू हो जाए, तो नियोजित शिक्षक को कितना वेतन मिलेगा, राज्य में कुल कितने नियोजित शिक्षक हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस प्रकार की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।